सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के अपने वीडियो में हम फिर से एक लोगो बनाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। और ये लोगो बाकी जो मैंने लोगो बनाया है उससे बिल्कुल अलग होगा। इस बार हम 3D वॉल मॉकअप लोगो बनाएंगे और इस लोगो को भी बनाने के लिए हम पिक्सेल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। साथ में एक और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इस लोगो को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप अपने बिजनेस, ब्रांड या यूट्यूब के लिए लोगो डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर इंट्रो, आउट्रो, बैनर, सब्सक्राइब बेल एनिमेशन, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले से मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए जानते हैं आज के अपने इस लोगो को बनाना कैसे है। सो गाइस, लोगो बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल पे पिक्सेल ऐप का ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा। फिलहाल के लिए इस बॉक्स को हमें डिलीट कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक शेप ऐड करना है। शेप को ऐड करने के लिए आपको यहाँ टॉप पे ऐड का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर का बॉक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, इसका रेडियस जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, अराउंड 25 के करीब कर लेना है। देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे हमें इसका कलर ब्लैक कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से इसे रोटेट कर लेना है 45 डिग्री एंगल पे। अगर आपको यहाँ से एक्यूरेसी ना आए 45 डिग्री कितना होता है, तो आपको उसके लिए सिंपली आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 41 डिग्री एंगल पे है, तो आपको यहाँ से इसे 45 डिग्री कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसके सेंटर में हमें अपने चैनल का जो भी नेम है आपके चैनल का, उसका इनिशियल लेटर यूज करना है। जैसे कि आज मैं अपने चैनल के नेम से बनाया हूँ टेक्नोलॉजी 489, तो उसका टी और 4 लेटर यूज किया हूँ इस लोगो को बनाने के लिए। सो आपका जो भी चैनल का नेम है उसका इनिशियल लेटर यूज कर लेना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट का एक बॉक्स ऐड हो जाएगा, इस पर आपको डबल टैप करना है। देन आपको अपने चैनल नेम का इनिशियल लेटर ऐड करना है। जैसे टेक्नोलॉजी 489 मेरे चैनल का नेम है, सो टेक्नोलॉजी का टी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने जो टी ऐड किया, इसको कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है, देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करना है। प्लेस करने से पहले आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है। सो फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपको ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है, देन यहाँ पे फॉन्ट के सेक्शन में आपको नीचे आना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ये आपको पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको नीचे एक फॉन्ट मिलेगा, कुछ इस तरह से उर्दू में लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसी टेक्स्ट को फिर से कॉपी करना है। सो इस टी को कॉपी करने के लिए सिंपली आपको इसी ए वाले सेक्शन में ऊपर आना है, यहाँ आपको कॉपी पे टैप करना है। जैसे ही आप कॉपी पे टैप करेंगे, ये टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा। फिर से जो हमने कॉपी किया है टेक्स्ट, इस पे डबल टैप करना है। यहाँ पे आपके चैनल के दूसरे वर्ड का जो इनिशियल लेटर है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे 489 का मैं यहाँ पे 4 ऐड कर लेता हूँ, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमें अब फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने टी का ही फॉन्ट जो है कॉपी कर लिया था। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 को ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है 4 को। और जिस तरह से ये तो मैं अपने चैनल नेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे चैनल का जो भी T4 है वो इस तरह से एडजस्ट करने पे अच्छा लग रहा है। आपके चैनल नेम के अकॉर्डिंग जो भी लेटर्स हैं उसके अलग अलग टेक्सचर्स और डिजाइन होंगे, सो उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ प्लेस करने पे आपको अच्छा लग रहा है, बेटर अपीयरेंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से टी एंड 4 को जो है यहाँ से बॉक्स को चेक मार्क कर लेना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमने जो टी और 4 ऐड किया ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक सिंगल यूनिट में हो जाएंगे। देन यहाँ से आप चाहें तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका विड्थ जो है बढ़ा सकते हैं और इसके बीचों बीच इस तरह से प्लेस कर देना है।
बीचों बीच प्लेस करने के बाद जो हमने T4 ऐड किया और पीछे बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर का जो स्क्वायर ऐड किया था, इन दोनों को भी आपस में मर्ज करना है। सो मर्ज करने के लिए सिंपली आपको फिर से यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से हमारा पूरा जो लोगो है, जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है और प्लस में T4 जो मैंने ऐड किया, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो व्हाइट कलर वाला सेक्शन है T4 का, इसे रिमूव करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको इरेज कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे, यहाँ से व्हाइट कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। इसके बाद नीचे यहाँ पे हमें अपने चैनल का पूरा नेम ऐड करना है। इसके लिए सिंपली फिर से हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट का बॉक्स ऐड होगा, इस पर डबल टैप करना है और यहाँ से अपने चैनल का फुल नेम टाइप करना है। फुल नेम ऐड करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे इस नेम को ड्रैग करके कुछ इस तरह से लाना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। सो फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपको फिर से यहाँ ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको AB का मिलेगा ऑप्शन फॉन्ट का, इस पर क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये फॉन्ट भी आपको पिक्सल लैब में ही मिलेगा और जो मैं स्टार्टिंग में फॉन्ट चूज किया था वही फॉन्ट यहाँ से जो कुछ इस तरह से उर्दू में लिखा है इसको सेलेक्ट करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा नेम ऐड हो जाएगा। नेम ऐड करने के बाद हमें यहाँ नेम जो लिखा है वो व्हाइट कलर में है, उसे ब्लैक कलर में कर लेना है। सो इसी वाले सेक्शन में आपको नीचे यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। इसको स्क्रॉल करने पे यहाँ पे ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करके देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने लोगो में एक और टेक्स्ट ऐड किया है, अपने चैनल का स्लोगन ऐड किया है, टैगलाइन। सो अगर आपका कोई टैगलाइन है, मोबाइल नंबर, कुछ भी आप इसके नीचे कोई और दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो इतने पे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टैगलाइन को ऐड कर लेता हूँ। सो टैगलाइन को ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी करने के लिए सिंपली आपको यहाँ इसी ये वाले सेक्शन में कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ आपको डबल टैप करना है और यहाँ से अपना स्लोगन ऐड करना है। स्लोगन ऐड करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। देन हमें क्या करना है, इस स्लोगन को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से बीचों बीच प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद हमने जो T4 का लोगो बनाया और नीचे जो हमने टैग्स ऐड किया, फुल नेम और टैग लाइन, इन सबको आपस में मर्ज करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है और इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क कर लेना है, देन यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इससे हमारा जो लोगो है वो कंप्लीट बन जाएगा और आपस में मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद हमें इसे ट्रांसपेरेंट यानी कि PNG फॉर्म में सेव कर लेना है। सो PNG करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इस फाइल को हमें सेव कर लेना है। सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप हाई क्वालिटी में चाहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में, तो डायमेंशन में यहाँ पे कस्टम लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, देन यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, लोगो बना के सेव करने के बाद यहीं तक हमें पिक्सल ऐप का यूज था। इसके बाद हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन को यूज करना है। सो वो कौन सा एप्लीकेशन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, लोगो बनाने के लिए जो सेकंड एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे है। ये कुछ उर्दू में इसका नाम लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को उर्दू नहीं आती, बट इसका लिंक जो है, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो जितना भी प्रॉब्लम था वो आपको पिक्सल लैब में ही डिजाइन करना था। लोगों को डिजाइन करने वक्त आपको परेशानी होगी, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से आप मॉकअप बना ले जाएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, विदाउट क्रॉप और विद क्रॉप। तो यहाँ पे आपको विदाउट क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको आपकी गैलरी का ऑप्शन आएगा, सो इस पर टैप कर देना है। इसके बाद जो हमने अभी अभी पिक्सल ऐप से जो लोगो बना के सेव किया था उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से मैं ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके साइज को हमें बड़ा कर लेना है। कुछ इस तरह से साइज को बड़ा करने के बाद यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट का एक लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कन्वर्ट टू 3D मॉकअप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे 3D मॉकअप के जो है डिजाइन मिल जाएंगे,
आप जो भी चाहे डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट करके अपने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं इस मॉकअप में। लेकिन जो मैं आज यूज किया हूँ उसके लिए आपको स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आना है। यहाँ पे आपको वुड क्राफ्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको इस ब्लू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि क्या लिखा हुआ है, बट अगर इंग्लिश में होता तो यहाँ पे आपको टैप करके यूज कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो लोगो है यहाँ एक ऐड आएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। सो थोड़ी देर ऐड चलने के बाद आपको यहाँ पे इसे कैंसिल कर देना है ऐड को, और देन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक और ऐड आएगा, सो इस ऐड को भी यहाँ से कैंसिल कर देना है। देन जो हमने लोगो बनाया है वो आपका यहाँ पे लोगो जो है वो 3D मॉकअप में, जैसे कि यहाँ पे आपको राउंड राउंड ये सर्कल मूव हो रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कन्वर्ट हो गया, देन यहाँ आपको ब्लैक वाले रिमूव मॉकअप के बगल में एक ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे ये लोगो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो लोगो सेव हो जाने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ब्लरिस दिख रहा है, सही से क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये सेव होगा HD क्वालिटी में। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं लोगो सेव करने के बाद कुछ इस तरह से अपीयर होगा, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है। सो ये थी वो प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर यूट्यूब के लिए लोगो बना सकते हैं शानदार सा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।